तो गाइस आज मैं आप लोग को इस टाइप का एलन कॉन्सेप्ट की फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो मैं फोटो पर मॉडी ब्लू टोन भी ऐड किया हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और आप लोगों को मैं बता दूँ यहाँ पर जैसा फोटो को एडिट किया हुआ आप लोग देख सकते हो वीडियो के अंदर भी आप लोग को सेम टू सेम एडिटिंग सीखने को मिलेगा। मतलब आप लोग बहुत सारा एडिटर का वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर, थंबनेल पर फोटो एडिटिंग बहुत ही सुंदर लगता है लेकिन वीडियो के अंदर वैसा एडिटिंग आप लोग को सिखाता ही नहीं है, आप लोगों को उल्लू बनाकर चला जाता है। लेकिन आप लोगों को पता है आपका भाई जैसा फोटो एडिटिंग थंबनेल पर दिखाता है वैसा सेम टू सेम एडिटिंग वीडियो के अंदर भी सिखाता है। तो वो सब बातें छोड़ के अभी आप लोगों को बता दूं अगर आप लोग इस एडिटिंग को सीखना चाहते हो तो वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नया नया एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा बात के बिना वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले आप लोग अपने जिस भी फोटो को एडिटिंग करना चाहते हो उस फोटो को आप लोग अपने गैलरी से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपने फोटो कैसे पिक्सआर्ट पर इंपोर्ट कर लें। ठीक है, तो मैं सभी पिक्सआर्ट ऐप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फोटो को पिक्सआर्ट पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो हमारा मॉडल का फोटो भी पिक्सआर्ट पर इंपोर्ट हो चुका है। और फोटो पिक्सआर्ट पर इंपोर्ट हो जाने के बाद आप लोगों को सबसे पहले इस इफेक्ट का ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इधर पर आप लोगों को कलर्स का टैब इधर पे दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने और यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस इधर पर आप लोगों को कलर स्प्लैश का एक ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करते ही आप लोगों का सामने कुछ इस तरीके से सर्कल आ जाएगा और सर्कल के अंदर आप लोग एक प्लस का आइकन दिखाई देगा। तो इसी प्लस का आइकन को आप लोग अपना स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से रख लेना। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा स्क्रीन का सबसे डार्क वाले एरिया में इसे रखने का, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी इसे यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक है, रखने के बाद गाइस इधर पे आप लोग को मैक्स व्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसके अमाउंट को आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्टमेंट करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मैक्स व्यू को रखूंगा 20 के आसपास। फिर आप लोग ऐसे फोटो को जूम करके देख लेने आप लोगों का कहीं पर भी, मतलब ये जो ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट है ये आप लोगों को स्किन के ऊपर ना आए। ठीक है, तो हमारा मॉडल का फोटो के ऊपर आप लोग देख सकते हो स्किन के ऊपर ये ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट नहीं आया है। और आप लोग इसे कैसे समझोगे वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को कलर स्प्लैश में क्लिक करने, क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी आप लोग को मैक्स व्यू को इस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज करके देख लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फुल डिक्रीज करने पर यहाँ पर हमारे मॉडल के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से इंक्रीज करने देख लेना है आप लोगों को कितना अमाउंट यहाँ पर रखने पर ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमारे इधर पे 23 तक सही है। तो यहाँ पर इतना हो जाने के बाद गए आप लोगों को सिंपल से डन कर लें। और डन करने के बाद इधर पे भी आप लोग देख सकते हो हमारे मॉडल का फोटो के ऊपर एक काफ़ी अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट आ चुका है बस एक ही क्लिक में। तो आप लोगों को भी इस तरीके से अपना फोटो में ब्लैक एंड व्हाइट टोन को ऐड करने और इतना हो जाने के बाद गाइस अभी आप लोगों को इस टूल्स का ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करने। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इधर पर आप लोग को क्राफ्ट का टूल दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके इधर पर आप लोग को मल्टीपल कलर दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने और यहाँ पर क्लिक करके आप लोगों को इस रेड कलर को ऐसे सिलेक्ट करने। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों का सामने एक रेड लाइन यहाँ पर क्रिएट होकर आ जाएगा जैसे कि देख सकते हो। तो आप लोग इस लाइन का यहाँ पर पकड़ के इस तरीके से बिल्कुल ही डाउन कर लें। ठीक है, डाउन करने के बाद गाइस आप लोगों को फिर से इस मल्टीपल कलर का ऑप्शन पर क्लिक करने, क्लिक करने के बाद यहाँ से अभी आप लोगों को ब्लू कलर को इधर से सिलेक्ट करने। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद गाइस आप लोगों के सामने इस तरीके से अभी एक ब्लू लाइन क्रिएट होकर आ जाएगा। तो इसी लाइन का आप लोग को बीच में ऐसे पकड़ के थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर की ओर कर लेना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इतना तक सही है। फिर अभी गाइस आप लोग को ऊपर इस इरेजर का ऑप्शन पर क्लिक करने और यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ सब लोग को इरेज पर ऐसे क्लिक करने। ठीक है, और इरेज पर क्लिक करके इधर पर हार्डनेस को अभी आप लोग को 85 के स्पेस रख लेने, ऑपोसिटी को फुल रखने, साइज आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो। देन आप लोग को फोटो को इस तरीके से जूम करने और फोटो को जूम करके ये जो मॉडी ब्लू टोन इफेक्ट है, ठीक है, जिससे आप लोगों को अपना स्किन के ऊपर से इस तरीके से इरेज कर लेने। तो आप लोग देख ही सकते हो मैं जैसे जैसे इरेज कर रहा हूँ सेम टू सेम आप लोगों को भी इरेज कर लेने। तो चलिए फ्रेंड्स मैं पर भी फटाफट इरेज कर लेता हूँ, नहीं तो पर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, लेकिन आप लोग इसे थोड़ा आराम आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, तो गाइस जैसे कि देख सकते हो मैं पर अभी मॉडल का सारा स्किन के ऊपर से ये जो मॉडी ब्लू टोन इफेक्ट है, ठीक है, तो इसे इरेज कर लिया हूँ। तो आप लोग भी इरेज कर लीजिएगा। फिर गाइस यहाँ सब लोग सिंपल से डन कर लें और डन करने के बाद यहाँ सब लोग फिर से डन कर लें और यहाँ पर इतना हो जाने के बाद गाइस अभी आप लोग कैसे फिर से एक बार इस इफेक्ट का ऑप्शन पर क्लिक करें। ठीक है, और क्लिक करने के बाद इधर पर अभी आप लोगों को इफेक्ट्स का टैब पर ऐसे क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके गाइस इधर पर आप लोगों को बिल्कुल ही लास्ट में चलाना है। लास्ट में आके गाइस इधर पर आप लोगों को बिग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसी इफेक्ट को आप लोगों को सिलेक्ट करने, सिलेक्ट करके गाइस इसके ऊपर आप लोग दोबारा टैप करने, टैप करने के बाद इधर पर आप लोगों को साइज मिल जाएगा। तो इधर पर साइज को आप लोग इस तरीके से फुल कर लें और यहाँ पर आप लोगों को फेड मिल जाएगा। तो आप इसका फेड को इधर पर आप लोगों को 75 के आसपास पर रख लेना। ठीक है,
देन गाइस आप लोग सिंपल से डन कर लें। और डन करने के बाद हमारे मॉडल के फोटो के ऊपर आप लोग देख सकते हो एक बिग्नेटी का इफेक्ट भी आ चुका है जो दिखने में बहुत ही ऑसम लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग इतना कर लेने और इतना हो जाने के बाद गाइस अभी आप लोग को फिर से एक बार इस टूल्स का ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, और क्लिक करने के बाद इधर पर अभी आप लोग को एडजस्ट टूल का ऑप्शन पर क्लिक करना है। और एडजस्ट टूल पर क्लिक करके गाइस आप लोग को चले जाने सैचुरेशन में। सैचुरेशन में आके आप लोग को सैचुरेशन को इस तरीके से डिक्रीज करना है। ठीक है, तो आप लोग सैचुरेशन को इधर पर डिक्रीज करके -60 के आसपास रख लीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर ब्राइटनेस को आप लोग इधर पे +13 के आसपास रख लीजिएगा। ठीक है, देन गाइस अभी आप लोग को इस इरेजर का ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग कर लेना है इन्वर्ट। इन्वर्ट करके आप लोग को रिस्टोर पर क्लिक करना है। और रिस्टोर पर क्लिक करके इधर पर आप लोग को हार्डनेस को 85 रख लेना है, ऑपेसिटी को फुल रखना है, साइज अपना हिसाब से आप लोग रख लीजिएगा। फिर आप लोग को फोटो को इस तरीके से जूम करना है। और फोटो को जूम करके आप लोग अपना स्किन के ऊपर इस तरीके से ड्रॉ करके अभी आप लोग अपना स्किन को गोरा बना देना है। ठीक है, तो आप लोग देख ही सकते हो कितना अच्छे तरीके में यहाँ पर गोरा हो रहे। और यहाँ पर आप लोग को लिप्स के ऊपर ड्रॉ नहीं करना है, बाकी सारा स्किन के ऊपर आप लोग को ड्रॉ करके गोरा बना देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी से ड्रॉ करके गोरा बना देता हूँ। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो हमारे मॉडल का स्किन यहाँ पर काफी अच्छे तरीके में गोरा हो चुका है। तो आप लोग इस तरीके से गोरा कर लीजिएगा। फिर गाइस यहाँ सब लोग कर लेने डन। डन करने के बाद यहाँ सब लोग को फिर से डन कर लेने। और यहाँ पर इतना कम हो जाने के बाद गाइस अभी आप लोग को चले जाना ऐड फोटो का ऑप्शन में। ठीक है, तो ये रहा गाइस ऐड फोटो का ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करने। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इधर सब लोग अभी इस बटरफ्लाई का पीएनजी के तरीके से सिलेक्ट करके यहाँ से ऐड करने। ठीक है, और ऐड करने के बाद इसका जो ब्लेंड मोड है तो उसे आप लोग को चेंज करने पहले। तो ये रहा ब्लेंड मोड का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करके इसका ब्लेंड मोड का आप लोग चेंज करके स्क्रीन में रख लेने। ठीक है, रखने के बाद गाइस इस बटरफ्लाई पीएनजी को आप लोग इस तरीके से जूम करने। जूम करके आप लोग अपना हिसाब से अपना फोटो के ऊपर फिट कर लें। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर अभी इसे यहाँ पर रख लेता हूँ। और यहाँ पर इतना हो जाने के बाद अभी आप लोग चाहो तो इस बटरफ्लाई पीएनजी का कलर को भी चेंज कर सकते हो। बस आप लोग इस एडिट टूल का ऑप्शन पर क्लिक करने। क्लिक करने के बाद आप लोग चले जाने ह्यू में। और ह्यू में आके गाइस आप लोग यहाँ पर ह्यू को इनक्रीज डिक्रीज करके इस बटरफ्लाई पीएनजी का कलर को आप लोग चेंज यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी इसका ह्यू को इनक्रीज करके +17 के आसपास रख लेंगे। ठीक है, ताकि मैचिंग हो सके इस बटरफ्लाई पीएनजी के कलर के साथ हमारा मॉडल का फोटो का बैकग्राउंड। तो आप लोग इतना कर लेने अपने हिसाब से। फिर गाइस यहाँ सब लोग कर लेने डन। डन करने के बाद यहाँ सब लोग को फिर से डन कर लेने। और यहाँ पर इतना हो जाने के बाद आप लोग को और एक बार ऐड फोटो पर क्लिक करके यहाँ से अभी आप लोग को एलोन टेक्स्ट पीएनजी के तरह से सिलेक्ट करना है। ठीक है, और हाँ गाइस, वीडियो के अंदर मैं जो कुछ भी पीएनजी वगैरह यूज कर रहा हूँ सभी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग इजीली जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग इस एलोन पीएनजी को अभी सिलेक्ट करने। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग ऐसे ऐड करने। ऐड करने के बाद गाइस इसका भी ब्लेंड मोड को आप लोग चेंज करके स्क्रीन कर लेने। तो मैं पर अभी कर लेता हूँ। करने के बाद गाइस इसे आप लोग इस तरीके से जूम करने। और जूम करके आप लोग अपने फोटो के ऊपर इस तरीके से फिट कर लें। ठीक है, ऊपर की साइड में जैसे कि यहाँ पर सही है। देन गाइस सब लोग कर लेने डन। और डन करने के बाद गाइस अभी आप लोग हमारे मॉडल का पूरा फोटो को देख सकते हो। एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है। ये रहा फोटो का बिफोर एंड आफ्टर। देख सकते हो हमारा जो मॉडल का फोटो है वो बहुत ही सही तरीके में एडिटिंग हो चुका है। तो आप लोग भी इस तरीके से एडिटिंग कर लीजिएगा। और फोटो को एडिटिंग करने के बाद फोटो को सेव करने के लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ से सेव का ऑप्शन पर क्लिक करने। फिर आप लोगों का जो फोटो है वो आप लोगों का गैलरी में सेव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप लोगों को कैसा लगा वो आप लोग कॉमेंट करके भी बता दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। मिलते अगले किसी वीडियो में।